हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोग का घर पे पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। अगर जिन स्टूडेंट्स को ये सारे ट्रायंगल के बारे में इसका ट्रिक पता है तो अभी से ही वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर जिन स्टूडेंट को पता नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझ में जरूर आएगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझ में आ जाएगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला टाइप में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन लिए, ठीक है। मतलब ये ट्रायंगल एक दो ट्रायंगल एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह से ट्रायंगल आपका बन रहा है, ठीक है। मतलब सब में बेस सेम है, ठीक है। देखिए तो जितना भी ट्रायंगल बन रहा है सारा में क्या है, बेस सेम है, ठीक है। तो अगर बेस सेम रहेगा तो आपको कौन सा ट्रिक लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, एक बार में ही हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर आप काउंटिंग कर लीजिएगा वन और टू, ठीक है। वन और टू आपको सिंपली क्या कर देना है, वन और टू लिखना है, ठीक है। और इस दोनों को जोड़ देना है आपको, जोड़िएगा तो तीन आ जाएगा, ठीक है। तो तीन ट्रायंगल हो जाएगा। तो एक बार आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो टोटल तीन ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन हम आप लोग को इतना हम नहीं करवाएंगे, हो सकता है बहुत सारा आ जाए तो सबको एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार पाँच छः दस ऐसे करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधा सीधे हम आप लोग को एक फार्मूला ही देते हैं, ठीक है। एक फार्मूला याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। क्योंकि इसमें सम ऑफ नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला ये होता है, याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इस फार्मूले से सारा काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, ये n आपका लास्ट वाला है, ठीक है, वन टू लास्ट वाला, ठीक है। तो टू इंटू टू प्लस वन लिखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, टू से डिवाइड, तो आपका ये थ्री आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, थ्री। तो इसका थ्री आ गया ना, देखिए यहाँ पे वन और टू जोड़ेंगे तो थ्री आएगा। तो इसमें भी सेम वही फार्मूला लगाएंगे, वन टू थ्री फोर, ठीक है। समझ में आ रहा ना आप लोग को, सेम यही फार्मूला। एन आपका क्या है, लास्ट वाला फोर, ठीक है। तो फोर इंटू, यहाँ पे सबको ऐसे जोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन हम एक बार में फार्मूला बता दिए तो ये फार्मूला याद रखेगा तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, चार जोड़ तीन जोड़ ऐसा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली ये आप लोग फार्मूला रख दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, पाँच गुना के दस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, सेम इसी तरह से देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, फाइव इंटू फाइव प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है। देखिए सिक्स बाई टू आपका कितना हो जाएगा, थ्री। तो थ्री इंटू फाइव कितना हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिफ्टीन ट्रायंगल्स आएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, इसका आंसर आप लोग को बताना है। अगर ये समझ में आ गया तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट वाले का। तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो उसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, फार्मूला है सेम, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, सम ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है वन टू थ्री फोर। मतलब आपको पता होगा प्राकृत संख्या का जोड़ जो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, ये याद रखिएगा। तो सेम इसी फार्मूला पर लगाइए, सारा एकदम सॉल्व होता जाएगा। लेकिन ये तभी होगा पॉसिबल जब आपका क्या रहेगा, जब आपका सेम बेस होगा, ठीक है। चलिए, ये आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इस पे आते हैं, टाइप टू पे। अगर ये क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम सीधा लाइन पा रहे हैं, ठीक है, सीधा स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम वही करना है, वन टू थ्री फोर आपको लिखना है, ठीक है। वन टू थ्री फोर लिख दें आप, सेम इसमें भी वही होगा, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो बताइए, तो जब फोर आता है तो सम ऑफ क्या, चार तक का जो वैल्यू होता है आपका दस होता है, ठीक है। देखिए अब निकालें ना इसको, सेम इसी फार्मूला पे लगाएंगे तो इसका टोटल ट्रायंगल जो ऊपर में बनेगा आपका दस बनेगा, ठीक है। नीचे भी आपका कितना बनेगा, दस बनेगा, ठीक है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा ट्रायंगल, बीस हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, बीस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये दस है और ये दस, ठीक है। क्योंकि इसका नीचे वाला का भी दस आएगा, ऊपर वाले का भी दस आएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका टोटल बीस ट्रायंगल हो जाएगा। और बीस ट्रायंगल होने के बाद एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है या क्या है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब यह स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा समझिएगा, जब यह स्ट्रेट लाइन हुआ तो इधर से भी तो ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, दूसरा ट्रायंगल आपका ये बनेगा, तो दो ट्रायंगल तो इधर हो जाएगा। देखिए दो ट्रायंगल इधर भी होगा, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल, दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ। तो दो ट्रायंगल इधर, दो ट्रायंगल इधर, ठीक है। तो सिंपली आप लोग याद रखिएगा
कि ये होने के बाद अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इधर वाला आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि इनने कितना है, कितना ट्रेंगल है, एक दो, तो सिंपल आपको दो जोड़ देना है, इधर कितना है एक दो, तो इधर भी आपको दो जोड़ देना, तो टोटल आपका 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इससे और भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्या करना है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, वन है, टू है, थ्री है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो हम उसके लिए भी आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, इस तरह से जोड़ेंगे तो सिक्स तक है। ठीक है, तो सिक्स तक है तो आप लोग कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सिक्स इन टू क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस वन बाई क्या हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा, तो दो तीय छः, तो सात तीय कितना हो जाएगा, सत्रह, इक्कीस हो जाएगा, तो इक्कीस ऊपर हो जाएगा और इक्कीस आपका नीचे भी हो जाएगा, है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपका 42 ऊपर 21, ठीक है, क्योंकि इसको जैसे सॉल्व करेंगे 17 21 हो जाएगा, ऊपर 21 नीचे 21 आपका टोटल 42 हो गया। इधर काउंट करना है जितना स्ट्रेट लाइन यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ तक, तो इसको आपको क्या कर देना, जो इधर भी आपको जोड़ देना है, एक दो तीन, इधर भी टू ट्रेंगल बनेगा, कितना ट्रेंगल बनेगा, एक दो तीन, आपका तीन इधर से जोड़ना है, इधर स्ट्रेट लाइन के बाद कितना आ रहा है ट्रेंगल, एक दो तीन, ठीक है, इसको आपको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 42 छः 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसका जवाब आप लोग को देना है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग को देना है। चलिए यहाँ पे सिंपली है, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इधर वाला आपको काउंट कर लेना है, एक दो तीन, तो तीन जोड़ देना है, इधर से भी स्ट्रेट लाइन के बाद उधर वाला आपको जोड़ देना है ट्रेंगल, क्या स्ट्रेट लाइन के बाद कितना ट्रेंगल आ रहा है, तो तीन आ रहा है, एक दो तीन, तो तीन इसको जोड़ देना, तो टोटल आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो चलिए एक बात और आता है कि अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए उसका भी देख लेते हैं, तरह से दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना था, इसमें आपका अगर ब्रेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो ऊपर आपका तो 10 बन जाता है ना, नीचे आपका कितना बनता, वन वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो आपका कितना हो जाता, देखिए तो नीचे भी आपका 10 ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपका तो ब्रेक हो गया तो अब तो दूसरा ट्रेंगल तो बनेगा ही नहीं, बाकी तो सारा काउंट हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर तो याद रखिएगा, अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधा नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेंगल नहीं बनेगा, कुछ नहीं जुटेगा, सिंपली जितना ऊपर है उतना नीचे टोटल जोड़ देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारा समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक जरूर करना, हमको मोटिवेशन मिलता है आप लोग लाइक करते हैं तो। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो कभी भी मिस ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इस दोनों का आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही।